नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 40 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं एक मरीज की मौत हुई है जबकि 48 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार बुधवार को टिहरी जिले में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। वहीं अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर में 2-2, बागेश्वर में 8, चमोली में 4, देहरादून में 7, हरिद्वार में 3, पौड़ी और उत्तरकाशी में 1-1 और पिथौरागढ़ में 6 संक्रमित सामने आए हैं। भाजपा मुख्यालय में आयोजित बूथ समिति सत्यापन अभियान की वर्चुअल बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि संगठन 11,235 बूथों का सत्यापन करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा में बूथ समितियां पूरे 5 वर्ष काम करती हैं। बूथ समितियों के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान होता है और संवाद बना रहता है। हालांकि अन्य दलों में चुनाव से कुछ समय पूर्व ही किसी एजेंट की तलाश की जाती है। उन्होंने कहा कि बूथ समिति भाजपा की ताकत रही है और यही उसकी जीत का आधार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1,000 करोड़ रुपए और केंद्रीय सड़क अवस्थापन निधि में अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सड़क और पुलों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई सहायता प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा रिजर्व शिवालिक हाथी कॉरिडोर के डीनोटिफाइड करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि संतुलित विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हाईकोर्ट ने NHAI से पूछताछ की, दिल्ली है देहरादून हाईवे के बीच पेड़ों को बचाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन अब तेज हो गया है। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के लिए केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने अपने खून से एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। उन्होंने पत्र में तीर्थ पुरोहितों की रक्षा के लिए यथाशीघ्र देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि सनातन धर्म की पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को चमोली के रैणी गांव में ग्लेशियर फटने के दौरान आई आपदा में मृतकों और घायलों को अब तक मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है उनके भरण पोषण की व्यवस्था की जाए ताकि उनका जीवन यापन हो सके। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। वहीं कोर्ट ने सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ की सालाना बैठक के दौरान कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का जिम्मा भारतीय उद्योगों के कंधों पर है। नया भारत नई दुनिया के साथ चलने को पूरी तरह से तैयार है। कभी विदेशी निवेश को लेकर आशंकित रहने वाला भारत आज हर तरह का निवेश का स्वागत कर रहा है। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी उत्पादों का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश के लोगों की भावना भारत में बने उत्पादों के साथ है। आज हर भारतीय भारत में ही बने उत्पादों का अपनाना चाहता है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम खेल रत्न पुरस्कार से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने उनके नाम पर एक अवार्ड शुरू करने का फैसला किया है। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आईटी सेक्टर नाम से पुरस्कार शुरू करने का ऐलान किया है। ये अवार्ड उन आईटी कंपनियों को दिए जाएंगे जिनके कार्य समाज को मदद दे रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान अमरिंदर सिंह ने तत्काल किसान आंदोलन को समाप्त कराने के लिए ठोस कदम उठाने और हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कृषि कानूनों में संशोधन की भी मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से पहले 5 प्रदेशों की प्रदेश सरकार और विधायकों की परख खुद कर रहे हैं।
जनता का मूड भांपने के लिए नमो ऐप पर एक सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के माध्यम से उन 5 राज्यों की जनता के उम्मीदवारों के चयन को लेकर अलग अलग मसलों पर राय मांगी गई है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। इस ऑनलाइन सर्वे में पूछे गए प्रश्नों से पीएम मोदी ये पता लगाने चाहते हैं कि जनता की निगाह में 5 चुनावी राज्यों की सरकार और विधायकों का कामकाज कैसा है और आगामी चुनाव में जनता क्या चाहती है। तो फिलहाल देश और प्रदेश से जुड़े इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जे जे न्यूज़। नमस्कार।